दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे गुमनाम महल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ज्यादातर दिल्ली के वासी भी नहीं जानते। ये बात है दिल्ली के मालचा महल की, जिसमें पिछले 28 सालों से अवध राज घराने के वंशज राजकुमार रियास और राजकुमारी सकीना महल रह रहे हैं। पहले इनके साथ इनकी माँ विलायत महल भी यहाँ रहा करती थी, लेकिन उन्होंने 10 सितंबर 1993 को खुदकुशी कर ली थी। इस महल तक जाने का रास्ता सरदार पटेल मार्ग से जाता है, लेकिन इस महल में अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। इस महल तक पहुंचने के एकमात्र रास्ते पर लोहे का ग्रिल लगा है, जिस पर हल्की सी आहट होते ही कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। चारों ओर कांटे की तार से घिरे उस महल के प्रवेश द्वार पर लगे पत्थर पर लिखा है, रूलर्स ऑफ अवध प्रिंसेस विलायत महल। इस इमारत में ना तो बिजली है और ना ही पानी, लेकिन एक टेलीफोन जरूर लगा हुआ है। जहां तक इनके आने जाने का सवाल है, तो इनके नाम सिर्फ एक साइकिल ही मौजूद है। जब साल 1985 में विलायत महल यहां रहने आई तो उनके साथ उनके बच्चों के अलावा 12 कुत्ते और 5 नेपाली नौकर थे। लेकिन अब इस महल में राजकुमार, राजकुमारी और उनके कुछ कुत्ते ही बचे हैं। लेकिन 2 साल पहले राजकुमार अली रजा का भी निधन हो गया है। इस महल का निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये महल उसकी शिकार करने की जगह थी। पहाड़ी पर बने इस महल में करीब 10 खिड़की और दरवाजे हैं, पर इनमें से एक दरवाजा नहीं है। इस चकोर रूप के महल में 24 मेहराब हैं। मुरम्मत ना होने के चलते इनमें से अब 3 मेहराब ही सलामत बचे हैं, जिनमें राजकुमार और राजकुमारी रहते हैं। अब सवाल ये है कि विलायत महल आखिर लखनऊ छोड़कर वीरान और खंडर हो चुके इस महल में कैसे पहुंची? इस कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सभी राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से पेंशन मिला करती थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी। इससे उन राजा महाराजा जिनके पास या तो पुश्तैनी दौलत थी या फिर कमाई के अनेक साधन थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनके पास दोनों में से कुछ नहीं था, उनके सामने मुसीबत आ खड़ी हुई। इनमें से एक थी विलायत महल, जिनके पति की मौत हो चुकी थी और कमाई का और कोई साधन नहीं था। कोई चारा ना होने पर विलायत महल ने सन 1975 में अपने दोनों बच्चे रियास और सकीना के साथ 12 कुत्तों और 5 नौकरों के साथ लखनऊ से दिल्ली की तरफ निकल पड़ी और यहाँ के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर डेरा डाल लिया। बाद में वह अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म से उठकर वीआईपी वेटिंग लॉन्च तक पहुंची और वहां पर कब्जा कर लिया। विलायत महल अपने परिवार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 9 साल तक रही, जिसमें से लगातार 3 साल धरना देकर वह अपने अधिकार की मांग करती रही। उनके धरने की खबर बहुत जल्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंची। जिस साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी साल इंदिरा गांधी विलायत महल और उनके बच्चों के हालात का जायजा लेने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इंदिरा गांधी को देखते ही विलायत महल भड़क उठी। किसी तरह उन्हें शांत किया गया। इंदिरा गांधी ने उन्हें कहीं और रहने के लिए ठिकाना उपलब्ध कराने का वादा किया। विलायत महल की मांग थी कि उन्हें रहने के लिए एक ऐसी जगह मुहैया कराई जाए जहां आम आदमी उनकी जिंदगी में तांग झांक ना कर सके, और जगह की तलाश खत्म हुई सरदार पटेल मार्ग में स्थित सेंट्रल रिज एरिया में, जहां पर ये मालचा महल स्थित है। जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी की मौत के बाद वर्ष 1985 में उनके बेटे राजीव गांधी ने विलायत महल को मालचा महल में रहने की इजाजत दे दी, जिसमें
उन्हें नवाब वाजिद अली शाह का वंशज बताया गया था। 10 सितंबर 1993 को विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि गुमनाम जिंदगी के कारण वह डिप्रेशन में चली गई, इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी के हीरे को तोड़कर खा लिया। उनके बच्चों ने पहले उन्हें दफना दिया, लेकिन 1994 में खजाने के लिए उनकी कब्र को खोदा गया और उनके बेटे ने उनकी लाश को जला दिया। वर्तमान में राजकुमार और राजकुमारी की हालत कैसी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। राजकुमार तो फिर भी नजर आते हैं जब वह खुद के लिए राशन लाने और कुत्तों के लिए मीट लाने बाहर निकलते हैं, लेकिन वो लोगों की बातों का कम ही जवाब देते हैं, और यदि कोई भी उनसे ज्यादा सवाल करे तो वह उस पर रिवॉल्वर तान देते हैं। राजकुमार के अनुसार उनके पास काफी पुश्तैनी ज्वेलरी थी जिसको बेचकर वह अपना खर्चा चलाते हैं। उनके अनुसार उनके पास एक तोप भी है जिसकी बहुत ऊंची बोली लग चुकी है, लेकिन वो उसे बेचना नहीं चाहते क्योंकि वो उनके खानदान की शान है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही विदेश से पढ़े हैं और उनकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है। इनके ज्यादातर रिश्तेदार ब्रिटेन में रहते हैं। राजकुमारी सकीना महल ने अपनी माँ बेगम विलायत महल पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम प्रिंसेस विलायत महल द अनसीन प्रिंसेस है। ये किताब नीदरलैंड्स, फ्रांस और ब्रिटेन की लाइब्रेरी में तो मौजूद है, लेकिन हमारे भारत में नहीं है। इस किताब में विलायत महल के जीवन के कई पहलुओं को उकेरा गया है। लोगों का मानना है कि बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है और इसीलिए इस जगह को दिल्ली के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया गया है। अब यह हॉन्टेड है या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि यह जगह रात को और भी डरावनी हो जाती है और दिन में और भी रहस्यमय नजर आती है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।